ये जो राइस मिल मशीन देख रहे हो 6N40 मॉडल और 6N100 मॉडल, दोनों राइस मिल मशीनों में काफी अंतर है। आज यहाँ दोनों राइस मिल मशीनों को तुलना करते हैं। 6N40 मॉडल वाले राइस मिल मशीन के चेंबर छोटे हैं और 6N100 मॉडल वाले के चेंबर थोड़े बड़े हैं। तो जाहिर सी बात है, बड़े चेंबर वाले को चलाने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी और छोटे चेंबर वाले को चलाने के लिए थोड़े कम पावर की जरूरत पड़ेगी। जिस राइस मिल मशीन को चलाने के लिए कम पावर की जरूरत पड़ेगी, उस राइस मिल मशीन में कम HP के मोटर लगे हुए होंगे, और जितने ज्यादा बड़े चेंबर होंगे उतने ज्यादा HP के मोटर लगे हुए होंगे। ज्यादा HP के मोटर को चलाने के लिए ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी और कम HP के मोटर को चलाने के लिए कम वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। अगर ज्यादा वोल्टेज खपत होंगे तो ज्यादा बिजली बिल बनेंगे। ऐसे राइस मिल मशीन को खरीदने से पहले ये देख लेने चाहिए कि आपके घर में कौन से बिजली कनेक्शन लिए हुए हैं। वैसे तो इस तरह के राइस मिल मशीन में 2 या 3 HP के मोटर लगे हुए होते हैं। 2-3 HP वाले मोटर को चलाने के लिए ज्यादातर सिंगल फेज बिजली कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, और इस तरह के राइस मिल मशीन में लगे अधिकतर मोटर सिंगल फेज बिजली से आसानी से चल जाते हैं। लगभग सारे कंपनियां के राइस मिल मशीन जो 6N40 मॉडल वाले होते हैं, वो घर के बल्ब जलाने वाले कनेक्शन से आसानी से चल जाते हैं। इसके लिए अलग से कनेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और कुछ कंपनियों के राइस मिल मशीन जो 6N100 मॉडल वाले होते हैं, उन्हें चलाने के लिए सिंगल फेज कनेक्शन भी कम पड़ जाते हैं। वैसे भी गांव देहात में बिजली की वोल्टेज कम ही रहते हैं, तो गांव देहात में घर के सिंगल फेज बिजली कनेक्शन से राइस मिल मशीन चलाने हो तो 6N40 मॉडल ही बेहतर समझा जाता है। अगर 6N100 मॉडल वाले राइस मिल मशीन या इनसे भी बड़े साइज के राइस मिल मशीन घर के सिंगल फेज बिजली कनेक्शन से चलाने की सोच रहे हो तो आप ठीक से चला ही नहीं सकते हो। ठीक से वोल्टेज नहीं रहेंगे तो ठीक से धान कुटाई नहीं होंगे। चेंबर में धान जल्दी जल्दी फंसते रहेंगे और चावल के साथ धान पार होते रहेंगे। धान कुटाई करने के लिए वोल्टेज ठीक ठाक होने चाहिए। वही छोटे चेंबर वाले राइस मिल मशीन कम वोल्टेज में भी आसानी से चल जाते हैं और धान कुटाई अच्छी तरह से होते हैं। बहुत से छोटे वाले राइस मिल मशीन 150-200 वोल्ट में आसानी से चल जाते हैं। अगर आप धंधा कर रहे हो और धान ठीक से कुटाई नहीं हो रहा है, बार बार फंस रहे हैं और कभी कभी चावल के साथ धान पार हो रहे हैं, तो आपका समय बहुत बर्बाद होंगे। चेंबर में धान फंस गए तो चेंबर को खोलने लगाने में बहुत समय लगते हैं, और बड़े चेंबर वाले राइस मिल मशीन को मेंटेनेंस भी ज्यादा करने पड़ेंगे। बहुत से लोग गांव देहात में इस तरह के राइस मिल मशीन देखे नहीं रहते हैं और ऑनलाइन राइस मिल मशीन मंगा लेते हैं। अगर आप इस तरह के राइस मिल मशीन ऑनलाइन मंगा के धंधा करना चाहते हो तो शुरुआत में बहुत झेलना पड़ सकते हैं। आपको शुरुआत में मालूम ही नहीं चलेगे कि कौन से पार्ट कितने दिन में खराब होंगे। जब राइस मिल मशीन खराब होंगी तो तुरंत रिपेयर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके आसपास टूटे हुए पार्ट मिलेंगे ही नहीं। जो पार्ट टूट गए उसे ऑनलाइन मंगाने पड़ेंगे और ऑनलाइन पार्ट को आपके घर आने में बहुत समय लगेंगे। बहुत से लोग गांव देहात में कम दाम वाले राइस मिल मशीन सोचकर खरीद लेते हैं और राइस मिल मशीन की कुटाई के बारे में जानकारी ही नहीं होते हैं। ऑपरेटिंग ठीक से नहीं करने पर राइस मिल मशीन के पार्ट जल्दी खराब हो जाते हैं। इस राइस मिल मशीन के बारे में इस चैनल पर बहुत सी जानकारियां दिया गया है, खराब होने पर कैसे रिपेयर करने हैं और कैसे धान कुटाई करने हैं, सभी तरह के जानकारी दिए गए हैं।